पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका मार्केट कैप। किसी भी कंपनी को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले उसका मार्केट कैप 450 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। स्टॉक का पी 17 का है, दैट मीन सस्ती है। रोज तकरीबन 9 का है, 450 करोड़ के मार्केट कैप पर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9 का है तो ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ गड़बड़ है, 1.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये चीज़ गड़बड़ है। प्राइस टू बुक 1.5 का है, सस्ता है। प्रमोटर होल्डिंग 72% है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में 7.5% हुआ है, जो कि ठीक है। इसको कंपेयर करिए पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ से, तो पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ ही नहीं हुई है, पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ 7.5% की हुई है, पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रही है। ये एक गलत खबर है, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव रही है, और इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में है या नहीं है? सेल्स ग्रोथ हो गई, सेल्स ग्रोथ हो गई, प्रॉफिट ग्रोथ हो गई। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 14% है, ठीक। अब कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या करती है, तो एक बार तो आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये रही। गोकुल रिफॉयल एंड सॉल्वेंट लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सीड प्रोसेसिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड इंडस्ट्रियल ऑयल सच एज कैस्टर ऑयल। की पॉइंट्स क्या हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं कंपनी के? ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घनी, रिफाइंड कॉटन सीड, रिफाइंड सोयाबीन, पाम ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल। नाउ जियोग्राफिकल स्प्लिट में कंपनी का जो बिजनेस है वो तकरीबन 64% इंडिया में है और 35% के करीब बाहर है। प्रोडक्ट मिक्स में एडिबल ऑयल तकरीबन 56% है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है ज़रा तिजोरी के अंदर इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। गोकुल रिफॉयल एंड सॉल्वेंट्स, और जस्ट अ मिनट ब्रदर, यहाँ नहीं होगा। इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, डेटा से पहले एक बार देखते हैं जरा। डायरेक्ट वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सीधे सीधे करना क्या पड़ेगा, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। अब सीधे आ जाते हैं कंपनी के डेटा पे, ठीक है। चार्ट पैटर्न ठीक है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। कौनस क्या क्या हैं? कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है, नहीं चाहिए। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कंपनी की नेगेटिव है, ठीक है, बुरी खबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी कमज़ोर है, कोई बात नहीं। अर्निंग्स में अदर इनकम है, चलो अब यहाँ देख लेंगे हम लोग। और इसके साथ में इस कंपनी के जो पीयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, अदानी विल्मर और रुचि सोया, ठीक है। और इसके अलावा एविटी नेचुरल्स भी है। अब अगर कंपनी के मार्जिन्स कंपेयर करोगे आप, तो गोकुल रिफॉयल के मार्जिन्स 1.5% हैं, एविटी नेचुरल के 18% है। और आप लोगों को ये याद होगा, एविटी नेचुरल बहुत शानदार कंपनी थी, ये इसके फंडामेंटल्स हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स देखते हैं कंपनी की। 3400 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़, 2100 करोड़, 2400 करोड़, 2800 करोड़, ठीक है। सो 2017 से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो 1800 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 2400 करोड़, यानी 18, 6 और 6, 3, 18, तकरीबन 30% का जंप है, और वो भी पिछले 4 सालों के अंदर कंपनी की टॉप लाइन के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के कम है, 2%, 3% का प्रॉफिट मार्जिन। और ये क्यों है? क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े से वीक होते हैं, ठीक। देन कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, 26 करोड़, ठीक है, बढ़ रहा है, अच्छा है। डिविडेंड पे आउट नहीं है। कंपनी का कैश रिजर्व कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, 250 करोड़ रुपए से बढ़कर 270 करोड़, और कंपनी की बरोइंग्स घट रही हैं, ठीक है ना, जो तकरीबन 260 करोड़ के आसपास थी, 300 करोड़ के आसपास थी, वहां से घटकर तकरीबन 300 करोड़, ये 700 करोड़ से घटकर तकरीबन 300 करोड़। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं घट रही है, बट फिर भी घट रही है, ठीक है। और कंपनी का कैश शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टैटिक, और उसके अलावा थोड़ा सा कंपनी का शेयर कैपिटल घटा है, दैट मीन्स कि कंपनी ने बायबैक किया होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। छोटी कंपनी है तो जाहिर है कि नेट कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा अनइवन नहीं है, फिर भी तकरीबन 7 से 8% के बीच है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, 72 करोड़ के आसपास में, और पब्लिक की होल्डिंग तकरीबन 26 करोड़ है। DIIs का इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा। अब ओवरऑल जो कंपनी का ये बिजनेस पूरा देखा, जितना डेटा, इस डेटा से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास इमीडिएटली इसके बगल में एक अच्छी कंपनी पड़ी हुई है। कौन सी? इस कंपनी के साथ हम लोगों ने एक कंपनी और पढ़ी थी, कोई बता सकता है? इस कंपनी के पीयर के तौर पर एक कंपनी हम लोगों ने पढ़ी है, कौन सी है वो कंपनी? कोई भी, एनीबडी, जिसके फंडामेंटल्स इससे बेहतर हैं, जिसका डेटा इससे अच्छा है, कौन सी है वो कंपनी? गुड, एविटी नेचुरल्स, इससे कहीं बेहतर है वो कंपनी फंडामेंटल वाइज, ठीक है। सो अगर आपके पास में इससे बेहतर फंडामेंटल्स की एक कंपनी पड़ी हुई है,
तो बिल्कुल जाने दीजिए इसको, या तो कंपनी के फंडामेंटल्स आउटस्टैंडिंग होंगे भैया तब उठाया जाएगा, वरना नहीं। टाइम करेक्शन हो रहा है।